पहली नजर, पहला असर। जाओगी तुम कहाँ, ततानिया तरपतानिया ततानिया। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नई सराय यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दो कैसेट प्लेयर, और वो भी नए नहीं हैं, पुराने हैं। दोस्तों आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ पुराने कैसेट प्लेयर आए हैं, उनको भी सेल करो। तो दोस्तों पुराने कैसेट प्लेयर मैं सेल तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद सर्टिफाइड होना पड़ता है कि चालू है कि नहीं है, आपको बेचूँ हो सकता है ख़राब हो ना चले, तो वो सारी कंडीशन मुझे देखना पड़ता है। तो मैंने दो कैसेट प्लेयर उनमें से चूज़ किए हैं, जो कि सही किए हैं, रिपेयरिंग की है, और लगभग उनको मैंने ओके कर दिया है। एक है पाइनियर का और एक है XBC का। जी हाँ दोस्तों, दो प्लेयर हैं, दोनों की आज कैसेट प्लेयर की मैं आपको रिव्यू करूँगा, उनकी जानकारी दूंगा और उनकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। यदि आप इन दो कैसेट प्लेयर में से कोई भी ख़रीदना चाहते हैं तो एक की कीमत दोस्तों 3,500 रुपये रखी गई है, तो आप ख़रीद सकते हैं। डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, आवाज़ सुन लीजिए, अच्छा लगे तो ही ख़रीदना, और ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको इन दो कैसेट प्लेयर का रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ओल्ड सेट हैं, जो कि है XBS और पाइनियर। जी हाँ दोस्तों, XBS और पाइनियर दोनों में इक्वलाइजर, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों में FLD टाइप का मैकेनिज्म है, लेकिन दोनों के दो दो नॉब टूटे हुए हैं। इसके दो टूटे हुए हैं, इसके तीन टूटे हुए हैं। अब इसके नॉब है नहीं मेरे पास, लेकिन दोस्तों ये वर्किंग कंडीशन में है, तो इनको हमको करना है सेल। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इंटरफेस दिखा देते हैं XBS कंपनी का। तो यहाँ पर आपको पावर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर है माइक, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों FLD टाइप का एक मैकेनिज्म, डबल बेल्ट वाला। ठीक है, और यहाँ पर XBS लिखा हुआ है, और ये ऑक्स और इसके लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों 5 बैंड एक्वालाइजर देखने को मिल जाता है, पावर के लेवल मिल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है पावर हाउस, ये बैलेंस है, और ये वॉल्यूम है, और ये 360 वाट का देख सकते हैं आप, PMPO लिखा हुआ है, 5 बैंड एक्वालाइजर। इसका मॉडल नंबर है EQ300। ठीक है, EQ300 हाई पावर ग्राफिक्स एक्वालाइजर स्टीरियो कैसेट प्लेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी का नाम है XBS। चलिए बैक साइड दिखाते हैं। दोस्तों यदि हम इसकी बैक साइड में देखें तो इसको CD और ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है, और दो स्पीकर लगाने के हमको ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये एकदम ओरिजिनल है, लेकिन नया नहीं है। ठीक है, ये सेकंड हैंड माल है, तो आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी टेस्टिंग हम चलिए आपको करके दिखाते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास नीचे पाइनियर है, उसको भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेटअप करते हैं और इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने XBS को कर लिया है सेटअप। यहाँ पर LED जल गई है, यहाँ पर हरे कलर में पावर हाउस लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम है, देख सकते हैं आप। चलिए हम मैकेनिज्म को बाहर निकालते हैं और कोई कैसेट लगाते हैं और आपको उसका गाना सुनाते हैं। और कैसेट लगाने जा रहा हूँ कुमार सानू की वो पहली नज़र। ठीक है, तो ये कैसेट लगा दी, मैकेनिज्म कर दिया बंद, बिल्कुल दोस्तों रनिंग कंडीशन में। चलिए प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए ये बटन है, इसको प्ले प्रेस करेंगे हम। प्रेस कर दिया, चलिए आवाज़ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपने इसकी आवाज़ सुनी, ब्रांडेड है, XBS कंपनी का है, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। चलिए दूसरी कैसेट लगाते हैं और इसकी आवाज़ आपको एक बार और सुनाते हैं। ओल्ड है, नया नहीं है, लेकिन वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, चलिए प्ले करते हैं।
तो दोस्तों आवाज़ आपने सुनी, चलिए कैसे इसको पलट देते हैं इसको ही, और पलट के इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो चलिए कैसेट को बाहर निकाल लेते हैं, और मैकेनिज्म बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, सिर्फ इसके तीन जो नॉब होते हैं वो टूट गए हैं, मतलब मिल नहीं रहे। तो यदि आप ये नॉब जुगाड़ कर सकते हैं, वैसे तो काम करेगा ये, हाथ लगा के आप इसमें काम कर सकते हैं। बाकी रनिंग में है, एक्वालाइजर रनिंग में है, पूरा सेट रनिंग में। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी कीमत दोस्तों 3500 रुपये है, ठीक है, ब्रांडेड सेट है, बस नया नहीं है लेकिन वर्किंग कंडीशन में है। चलिए अब आपको पायनियर दिखा देते हैं, पायनियर का कैसा सेट है। तो दोस्तों अब हम पायनियर को ले आए टॉप में, मतलब ऊपर। इसका यदि इंटरफेस देखें तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, माइक मिल जाता है, और वही मैकेनिज्म मिल जाता है हमको जो कि इस सेट में है। ये नॉर्मल FLD मैकेनिज्म नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप का होता है। इसके स्पेयर पार्ट्स लगभग ना के बराबर मिलते हैं, पहले बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर टैप कॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, ऑन ऑफ मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर पायनियर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है PS360EQ। जी हाँ दोस्तों, PS360EQ इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर दोस्तों हमको लेवल देखने को मिल जाते हैं, 5 बैंड एक्वालाइजर देखने को मिल जाता है, बैलेंस है और वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है स्टीरियो कैसेट प्लेयर, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा था, फाइनली वो मिट गया है क्योंकि पुराना सेट है। और इसकी जो बॉडी है ना दोस्तों, वो लकड़ी की है, ऊपर वाला जो स्पेस है ना वो लकड़ी का है, ठीक है। चलिए बैक साइड दिखाते हैं। दोस्तों यदि हम बैक साइड देखें तो यहाँ पर हमको 2 स्पीकर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और 12 वोल्ट DC लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। चलिए अब हम इस पायनियर को भी सेटअप कर लेते हैं, इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं। दोनों की सेम रेट है 3500। कोई लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप पर संपर्क कर लेना। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं, इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पायनियर को भी कर लिया है सेटअप, अपने एक स्पीकर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल बिलिंग कर रहा है, सारे सब कुछ सेट है। चलिए मैकेनिज्म बाहर निकालते हैं और इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो ये कैसेट लगाने जा रहा हूँ मैं तान्या, और इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। ये मैंने कर दिया है दोस्तों मैकेनिज्म को बंद, देख लेता हूँ सही हो गया। और ये प्ले बटन है, ठीक है। इसके भी दोस्तों 2 नॉब टूटे हुए हैं लेकिन काम कर रहा है। देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, ये पहले हो गया, देख सकते हैं। चलिए आवाज़ बढ़ाता हूँ। चलिए कैसेट को पलट देते हैं हम, ठीक है, और कैसेट पलटने के बाद हम इसका दूसरा गाना सुनाते हैं आपको। तो चलिए कैसेट पलट देते हैं हम, कैसेट लगा दी मैंने और प्ले कर देता हूँ। तो आपने आवाज़ सुनी, चलिए कुमार सानू वाली कैसेट लगाते हैं, उसकी भी आपको आवाज़ सुनाते हैं, वो पहली नज़र। ये पायनियर में थोड़ी आवाज़ मुझे उससे अच्छी लगी है, उसकी भी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन ये 19 है, ये 21 है, इसकी आवाज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। दोनों की आवाज़ सुन रहा हूँ, चलिए प्ले कर देता हूँ। दोस्तों कैसेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, और आपको मैंने दोनों ही कैसेट प्लेयर की आवाज़ सुना दी। बहुत ही प्यारी आवाज़ है दोनों कैसेट प्लेयर की, और यदि आप लेना चाहते हैं तो एक की प्राइस दोस्तों हमने 3500 रुपये रखी गई है, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। वर्किंग कंडीशन में है लेकिन न्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता तो इसको साफ़ सफाई करके, ठीक है, ये 9 बटन वगैरह लगा के उसको 5 और 6 हज़ार में बेच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा रनिंग कंडीशन में है
चालू है और कम रेट में मैं आपको दे रहा हूँ। ब्रांडेड सेट हैं दोनों, ये XBS का है और ये पाइनियर का है, ठीक है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।